हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को, जो कि एक डाइवर्सिफाइड फंड है। क्या ये फंड आपके लिए ठीक रहेगा, यही हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जहां पे मैं फंड की कंप्लीट एनालिसिस करूंगा आपके लिए। ये अपने कंपटीटर के अगेंस्ट कहां पर खड़ा हुआ है और ये अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना बेहतर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, तो इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी प्रकार की, वो किस इंडस्ट्री में रहेगा निवेश, किस मार्केट कैपिटलाइजेशन में निवेश रहेगा या किस ज्योग्राफी, यानी कि फंड जो है वो विदेशों में भी निवेश कर सकता है, स्मॉल मिड या लार्ज किसी भी तरीके के कैपिटलाइजेशन में मूव कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि यहाँ बेटर रिटर्न बन सकता है तो वो उधर एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको इक्विटी टैक्सेशन मिल पाए इसके लिहाज से फंड का जो 65% पोर्शन है वो डोमेस्टिक लिस्टेड इक्विटीज में, यानी कि इंडिया की जो भी लिस्टेड कंपनीज है उनमें 65% पोर्टफोलियो का निवेश किया जाएगा। इस फंड में टोटल होल्डिंग जो है वो 27 इक्विटी होल्डिंग्स हैं फंड के अंदर में, ऑल्दो मैंडेट जो है वो 25 तक का ही है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये 25+ जा सकते हैं। इस फंड के जो मैनेजर हैं वो है मिस्टर राजीव ठक्कर जी। इन्होंने अपना करियर 1994 में स्टार्ट किया था और ये इस फंड को सिंस इंसेप्शन मैनेज कर रहे हैं। ये इस फंड के डोमेस्टिक इक्विटी पोर्शन को मैनेज करते हैं। दूसरे फंड मैनेजर जो हैं वो हैं मिस्टर रौनक ओमकार जी। इन्हें भी लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं फंड के लिए। तीसरे फंड मैनेजर जो हैं वो हैं मिस्टर राज मेहता जी। इन्होंने सन 2012 में पराग पारिक को ज्वाइन किया था एज द इंटर्न और आज के समय में ये फंड के डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं। आइए बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज। यानी कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ के लिए फंड को डिजाइन किया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 5 साल या 5 साल से ऊपर की अवधि के लिए निवेश करता है तो ये उसके लिए बेनिफिशियल फंड रहेगा। 5 साल से कम का समय है तो कृपया आप अपने रिस्क पर इसमें एंट्री लें, क्योंकि 5 साल से कम की अवधि में ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप नेगेटिव रिटर्न लें। तो कोशिश करें कि अगर आपका निवेश का जो समय है वो 5 साल से ऊपर का है तभी आप इस फंड में निवेश करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके फंड मैनेजर मिस्टर राजीव ठक्कर जी हैं, राज मेहता और रौनक ओंकार जी हैं। फंड की जो कैटेगरी है वो फ्लेक्सी कैप है, यानी फंड किसी भी कैपिटलाइजेशन में, किसी भी ज्योग्राफी में, किसी भी इंडस्ट्री पे अपने एलोकेशंस को बढ़ा सकता है। फंड जो है वो ओपन एंडेड कैटेगरी का है, यानी कि कभी भी पैसा इसमें से डाला जा सकता है, कभी भी इसमें से पैसा निकाला जा सकता है, कोई भी किसी भी तरीके की लॉक इन नहीं है इस फंड के अंदर। ये 28 मई 2013 को लॉन्च हुआ था और इसका AUM आज की डेट में जो है वो है 9178 करोड़ का। इसकी जो रेगुलर प्लान की NAV है वो है 42.12 और डायरेक्ट फंड की है 44.36। इसका सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न है वो 22.22% का है, यानी कि बहुत ही अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है 17/6/2021 तक। थोड़ा सा पोर्टफोलियो की तरफ आते हैं तो पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो 21.3% इसमें लार्ज कैप है, 12.8% मिड कैप है, 8.8% स्मॉल कैप और 22.6% अदर्स। अदर्स में फॉरेन इक्विटीज भी आ रही हैं, क्योंकि इस फंड में फॉरेन इक्विटीज में भी निवेश किया गया हुआ है। टॉप 10 सेक्टर्स जो हैं वो ये आपके सामने मेंशनड है, जहां पे इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी में फंड ने एक्सपोजर लिया हुआ है, कैपिटल मार्केट्स में, फाइनेंस में, कंज्यूमर स्टेपल्स, बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो इंजीनियरिंग में। जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं वो टोटल 37.46%, यानी कि फंड जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है अमंग द सेक्टर्स, क्योंकि केवल 37.46% का ही अलोकेशन है टॉप 3 सेक्टर्स में। टॉप 10 स्टॉक्स जो है वहां पर 59.57% की होल्डिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन टॉप 10 स्टॉक्स के मामले में नहीं है, क्योंकि 50% से ऊपर की होल्डिंग है टॉप 10 स्टॉक्स में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंड की जो टोटल इक्विटी होल्डिंग है वो 27 है, तो बट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोजीशंस हैं फंड के अंदर,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंड ने फॉरेन इक्विटीज भी होल्ड करी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में फंड ने 7.18% का एलोकेशन लिया हुआ है, फेसबुक में 6.23% का लिया हुआ है, अमेजन में 4.8% है, अल्फाबेट इंक में 4.29%, यानी फॉरेन इक्विटीज में भी फंड का निवेश है। हम बात कर लेते हैं कैलेंडर ईयर रिटर्न्स की और उसके जो भी कंपटीटर फंड्स हैं उनकी। तो अगर आप देखेंगे सन 2013 से लेके अभी तक कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है फंड, केवल 2018 में नेगेटिव रिटर्न दिया था, वो भी बहुत माइन्यूट नेगेटिव 0.43% का रिटर्न दिया फंड ने। इसी में अगर आप देखेंगे तो यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड है जो लगातार हर साल आप देखेंगे ग्रीन है, किसी भी ईयर में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। स्टिल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो उसे बीट करता है, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं फंड के एसआईपी परफॉर्मेंस की। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड चूंकि 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, मैं हमेशा 10 साल का होराइजन रखता हूं, यहां पर मैंने केवल 8 साल का होराइजन रखा है। तो 8 साल में यानी कि 1 जुलाई 2013 से लेके 18 जून 2021 तक जिसने भी 5,000 रुपए महीने के हिसाब से जमा करे तो उसके 4,80,000 के 10,71,874 रुपए हो गए, 19.67% का एनुअलाइज रिटर्न उसको बना फंड में। मैं बात कर रहा हूं कंपैरिजन की। तो जैसे कि मैंने बताया यूटीआई ने कंसिस्टेंट बेसिस पे हर साल ग्रीन जोन में रहा है और पराग पारिक 2018 में थोड़ा सा नेगेटिव जोन था, स्टिल जिसने भी एसआईपी चलाई तो पराग पारिक की वैल्यू आप देख सकते हैं 3,43,895 रुपीज है फ्रॉम 17 नवंबर 2017 टू 17 जून 2021। क्योंकि कुछ फंड इसमें नए हैं इसलिए बहुत पुराने समय से मैंने इस एनालिसिस को नहीं लिया, जैसे एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड है वो काफी बाद में आया है, तो बेटर कंपैरिजन के लिए मैंने 2017 से ही इस कंपैरिजन को लिया है। यूटीआई का अगर बात करूं तो यूटीआई ने 25.96% का रिटर्न जनरेट किया है, डीएसपी ने 23.52% का, इन कंपैरिजन टू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जहां पर पराग ने 27.07% का रिटर्न दिया है एसआईपी के थ्रू निवेश करने पर। अब अगर मैं बेंचमार्क से इसका कंपैरिजन करूं तो आप देख सकते हैं कि जो S&P 500 इंडेक्स है उसने 67.72% का रिटर्न दिया है एक साल में और पराग पारिक ने दिया है 61.68%। तो ये साल थोड़ा सा निराशाजनक रहा है पराग पारिक के लिए, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ किसी भी इक्विटी फंड में अगर आप हैं तो 3 साल से ऊपर का ही आपको चेक करना चाहिए, 1 साल के रिटर्न्स पे नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो पराग पारिक का 3 साल का जो रिटर्न है वो 20.19% का है जबकि बेंचमार्क ने केवल 14.41%, यानी ये मोटा मोटा 6% का अल्फा जनरेट किया है फंड ने। अब अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो 5 साल में जो S&P BSE 500 जो उसका बेंचमार्क है उसने दिया 16.04% का रिटर्न, फंड ने जनरेट किया 19.47%, 7 साल में फंड ने जनरेट किया 17.04% और S&P BSE 500 ने दिया केवल 13.30%, यानी कंसिस्टेंटली फंड ने जो है अपने बेंचमार्क को बीट किया है। वहीं अगर आप इसके कंपटीटर्स को देखेंगे तो UTI की अगर मैं बात करूं तो UTI का 7 साल में जो रिटर्न रहा है वो 15.38% का रहा है जहां पे बेंचमार्क ने केवल 13.30% का, यानी कि 2% अल्फा ज्यादा दिया है पराग पारिक ने। वहीं 5 साल की बात करूं तो भी पराग पारिक ने 2% से जीत दर्ज करी है UTI फ्लेक्सी कैप के सामने और 3 साल में भी 3% से के करीब करीब जो है जीत दर्ज करी है इन कंपैरिजन टू UTI फ्लेक्सी कैप। इसके स्टैटिस्टिकल मेजर्स की बात कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू इट बेंचमार्क। तो फंड का जो मीन रिटर्न है वो 20.81% का है जबकि जो इसका बेंचमार्क है उसका मीन रिटर्न केवल 15.83 है और डेविएट बहुत करता है, 22.84% का इसका डेविएशन है जबकि फंड का डेविएशन केवल 18.58% का है, यानी कि मोटा मोटा 4% कम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है और मीन रिटर्न जो है वो लगभग लगभग 5% से ज्यादा है। जो फंड का रिस्क एडजस्टेड रेशियो है शार्प रेशियो वो है 0.89 जबकि बेंचमार्क का शार्प रेशियो है 0.50%। फंड का बेटा जो है 0.74, जैसे कि हमेशा मैं बताता हूँ बेंचमार्क का बेटा हमेशा 1 माना जाता है, तो यानी कि जो फंड है वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम गिरता है
फंड जो है बेंचमार्क की तुलना में कम रिस्की है, जबकि रिटर्न अगर आप देखें तो मीन रिटर्न ज्यादा है और डेविएशन भी फंड का कम है। अब हम इसके इन्वेस्टमेंट डिटेल की बात कर रहे थे कि फंड में आप मिनिमम 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शुरू, चाहे वो लमसम निवेश हो, चाहे वो SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहें, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आप कभी करना चाहें तो वो भी केवल 1000 रुपए के मल्टीपल में आप कर सकते हैं और मिनिमम विड्रॉल जो है वो 1000 रुपीज है। इसमें एग्जिट लोड रखा गया है ताकि फंड की स्ट्रेटेजी बनी रहे और इन्वेस्टर भी थोड़ा सा रुके फंड के साथ। तो 365 दिन से पहले अगर कोई भी व्यक्ति इस फंड में से पैसा निकालता है तो उसको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर वो 365 दिन के बाद और 730 दिन से पहले निवेश को निकालता है तो 1% देना पड़ेगा, और अगर 730 दिन के बाद निकालता है तो कोई भी किसी भी तरीके का एग्जिट लोड आपको नहीं देना पड़ेगा। इस फंड हाउस का मानना यह है कि अगर हम किसी भी निवेशक का पैसा मैनेज कर रहे हैं तो हमारा पैसा खुद भी लगा हुआ होना चाहिए उन फंड्स के अंदर, ताकि हमारे फंड मैनेजर्स और हमारी टीम जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, क्योंकि उनका खुद का भी पैसा इस फंड में लगा हुआ होगा। इस फंड में जो फंड की हाउस की होल्डिंग है वो 4.863 करोड़ यूनिट्स की है और जिसकी वैल्यू लगभग 215 करोड़ है अभी 17 जून 2021 एंड तक। तो मैं इस फंड को 10 में से 9 नंबर देता हूं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले रिव्यू पर नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए बाय।